डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मोनिका डुंगरवाल आज आपको बॉम कैलोरीमीटर पर विस्तृत जानकारी देने जा रही हूँ। बॉम कैलोरीमीटर एक तरह का उपकरण होता है जिसके द्वारा किसी भी भोज्य पदार्थ का ऊर्जा मूल्य प्रत्यक्ष रूप से ज्ञात किया जाता है। इस स्लाइड में हम बात कर रहे हैं भोज्य पदार्थ के ऊर्जा मूल्य के निर्धारण की, कि भोज्य पदार्थ का कितना ऊर्जा मूल्य होगा, इसे हम कैसे याद करेंगे। भोजन का जो ऊर्जा मूल्य होता है उसके रासायनिक संगठन पर निर्भर करता है। वे खाद्य पदार्थ जिनमें जल की मात्रा अधिक होती है उनका ऊर्जा मूल्य जो होता है वह कम होगा, जैसे कि आपका खीरा या ककड़ी है या तरबूज है या ऑरेंज है, मौसमी है, मतलब जितने भी तरह के फ्रूट्स हैं, है ना, जिनमें की वाटर का परसेंटेज ज्यादा है, या ऐसी सब्जियां जिनमें की वाटर का परसेंटेज ज्यादा है, उन सभी चीजों में जो है, क्योंकि जल की मात्रा अधिक है इसलिए उनका ऊर्जा मूल्य कम होता है। परंतु ठीक इसके विपरीत उन भोज्य पदार्थों में जिनमें जलांश की मात्रा कम होती है उनका ऊर्जा मूल्य अधिक होता है, जैसे कि तेल है, घी है, गुड़ है, शक्कर है, इसके अलावा आपका बटर है, ड्राई फ्रूट्स है, अनाज है, दालें हैं, इन सभी के अंदर जल की मात्रा या तो नहीं है या कम है, और इसी कारण से इनका जो ऊर्जा मूल्य होता है वह ऊर्जा मूल्य जो है वह अधिक होता है। इस भोज्य पदार्थ के ऊर्जा मूल्य का हम निर्धारण कैसे करें, इसको पता कैसे लगाएं, इसके लिए दो तरीके होते हैं, एक है प्रत्यक्ष विधि, दूसरा है अप्रत्यक्ष विधि, यानी डायरेक्टली पता करना या इनडायरेक्टली पता करना। और जिस उपकरण के द्वारा इसको डायरेक्टली भोज्य पदार्थ के ऊर्जा मूल्य को ज्ञात किया जाता है वो है बॉम कैलोरीमीटर, और इनडायरेक्टली या अप्रत्यक्ष तरीके से जिस उपकरण से ज्ञात किया जाता है वह है बेनेडिक्ट ऑक्सी कैलोरीमीटर। तो नेक्स्ट स्लाइड में बॉम कैलोरीमीटर क्या है उसके बारे में हम देखेंगे। अब हम बात कर रहे हैं प्रत्यक्ष विधि की, जिसमें हम डायरेक्टली भोज्य पदार्थ को बर्न करते हैं। तो किस उपकरण के द्वारा ज्ञात किया जाता है, वो बॉम कैलोरीमीटर के द्वारा। तो बॉम कैलोरीमीटर जो है वो क्या है, भोज्य पदार्थों के ऊर्जा मूल्य को नापने के लिए मुख्यतः इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थ की एक निश्चित मात्रा को जलाकर उससे उत्पन्न ताप को प्रत्यक्ष रूप से नापा जाता है, यानी आपने भोजन को जलाया या उसका ऑक्सीकरण किया और उससे जो ऊष्मा निकली है उस ऊष्मा को आप प्रत्यक्ष रूप से नापते हो, डायरेक्टली नाप रहे हो, और इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसका नाम होता है बॉम कैलोरी मीटर। दूसरा हमने बात की थी बेनेडिक्ट ऑक्सी कैलोरी मीटर की, जो कि अप्रत्यक्ष में आता है। तो अब हम बात कर रहे हैं बेनेडिक्ट ऑक्सी कैलोरीमीटर की। भोज्य पदार्थ के ऊर्जा मूल्य को मापने के लिए उस भोज्य पदार्थ को जलाने के काम में आने वाली ऑक्सीजन की मात्रा को नापा जाता है, क्योंकि हमने कहा भोजन जो है उसको जला रहे हैं यानी उसका ऑक्सीकरण कर रहे हैं, यानी उसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। तो वो ऑक्सीजन कितनी काम में आ रही है उस पर्टिकुलर फूड को जलाने के लिए, उस ऑक्सीजन की मात्रा को नापा जाता है, और ऑक्सीजन के मूल्य के बराबर कैलोरी से जितना ताप उत्पन्न होता है वही उस भोज्य पदार्थ का ऊर्जा मूल्य कहलाता है, और इसके लिए बेनेडिक्ट ऑक्सी कैलोरीमीटर का उपयोग किया जाता है। इसको कई बार शॉर्ट में बच्चों ऑक्सी कैलोरीमीटर भी कहा जाता है। अब हम बॉम कैलोरीमीटर कैसा दिखता है उसके ऊपर आ रहे हैं, साथ में इसका डिटेल के ऊपर आएंगे। बच्चों इसके अंदर एक कैलोरीमीटर का फोटो बताया हुआ है, जिसमें आप देख रहे हैं कि ये एक बर्तन है और इस बर्तन में आपको रोड जैसी एक चीज दिख रही है ना, जो बाहर से जाके किसी इग्निशन वायर लिखा हुआ है उससे जुड़ रही। इग्निशन का मतलब होता है किसी चीज को जलाने के लिए काम में ली जाने वाली चीज, है ना, और ये इसकी कॉइल है। यहाँ पर वर्ड लिखा है सैंपल, यानी कि यहाँ पर फूड स्टफ रखा जाएगा।
यहाँ पर लिखा है ऑक्सीजन की सप्लाई, यानी इससे इस बर्तन में जो फूड रखा हुआ है उसको ऑक्सीजन दी जा रही है जलने के लिए। जब इसको जलाया जाएगा, ऑक्सीजन मिलेगी तो ही वो फूड जल पाएगा। और इस बर्तन को हमने कहा स्टील का बॉम्ब। ये जो बर्तन है एक पानी के अंदर रखा हुआ है, और पानी के बर्तन के अंदर है ना, और इस पानी के बर्तन के अंदर ये थर्मामीटर लगा हुआ है। और इस थर्मामीटर क्या काम में आता है, जब आप इस फूड को जलाओगे और जब जलाओगे तो उष्मा निकलेगी, उष्मा निकलेगी तो बर्तन गर्म होगा, बर्तन गर्म होगा तो ये पानी को ऊर्जा देगा, तो पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा। और वो टेम्परेचर बढ़ा हुआ हम इस जो थर्मामीटर है इससे ज्ञात कर लेते हैं। ये जो पानी का बर्तन है ये किसी अन्य बर्तन में रखा गया है बच्चों, और ये जो चीज होती है अन्य बर्तन, इसमें इंसुलेटिंग जैकेट है, यानी बाहर का जो ताप है ना तो वो अंदर आ सकता है ना अंदर का ताप बाहर जा सकता है। यानी इस चित्र में बहुत अच्छे से इस बात को बताया गया है कि आप जो है किस प्रकार से किसी फूड स्टफ का जो है ऊर्जा मूल्य को बॉम कैलोरी मीटर के द्वारा ज्ञात करते हो। बॉम कैलोरी मीटर, इस यंत्र का जो आविष्कार है एक अमेरिकन वैज्ञानिक एटवाटर के द्वारा किया गया था। इसमें स्टील का एक भारी बर्तन होता है और इसी बर्तन को बॉम कहा जाता है, और इसीलिए इसका नाम बॉम कैलोरी मीटर पड़ा। इसका भीतरी भाग जो होता है इसके अंदर प्लेटिनियम की पॉलिश की होती है, और यह जो भाग होता है यह ताप का कुचालक होता है। कैलोरी मीटर में एक पेचदार ढक्कन लगा होता है जिसे अच्छी तरह से कस कर बंद किया जाता है। जिस भोज्य पदार्थ का हमें ऊर्जा मूल्य ज्ञात करना होता है उसकी एक निश्चित मात्रा तोली जाती है। जैसे आपको 5 ग्राम अमाउंट लेना है तो आपने 5 ग्राम भोज्य पदार्थ लिया, और एक टैबलेट मेकर आता है बच्चों है ना, उसको इंग्लिश में पैलेट मेकर बोलते हैं। उससे आप जब उस फूड स्टफ को दबाते हो, आपने पहले तोला है उसको, फिर उसको दबाया है तो वो पैलेट में या टैबलेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और इस टैबलेट को अब जो प्याले नुमा बर्तन है जैसे कि बॉम कहा उसके अंदर हम रख देते हैं। बॉम के ढक्कन में एक कपाट लगा होता है जिसके द्वारा ऑक्सीजन को अंदर प्रविष्ट कराया जाता है, और उस ऑक्सीजन को तब तक अंदर भरा जाता है या प्रविष्ट कराया जाता है जब तक कि अंदर दबाव जो है 300 पाउंड प्रति वर्ग इंच नहीं हो जाए। यानी एक निश्चित मात्रा में हम ऑक्सीजन को अंदर भेज रहे हैं। इस बॉम को एक बर्तन में रखे पानी में रखा जाता है, यानी उस पूरे स्टील के बर्तन को आपने एक और बर्तन में रखा जिसके अंदर पानी है, और इस पानी की मात्रा को एवं तापमान को निश्चित कर लिया जाता है कि इसके अंदर पानी कितना है और उसका तापमान क्या है। पानी भरे बर्तन में एक थर्मामीटर रखा जाता है और पानी के तापक्रम को प्रति मिनट नोट किया जाता है। आप स्टार्ट करने से पहले प्रैक्टिकल भी नाप लेते हो कि पानी का टेम्परेचर कितना है। जब पानी का तापक्रम स्थिर हो जाए, मतलब जैसे आपने देखा पानी का तापमान 22 है, फिर 22.5 हुआ, फिर 23 आया, फिर 23 ही 2-3 बार देखने पे लगातार आ रहा है, इट मीन्स कि वो तापक्रम स्थिर हो गया है। तो 5 मिनट के बाद भी पानी के तापक्रम पे कोई अंतर नहीं आ रहा, मतलब वो 23 का 23 रहता है। ये जस्ट मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ बच्चों, है ना। तो ऐसे समय पर हम अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट कर सकते हैं। तब भोज्य टैबलेट को बिजली के फ्यूज के द्वारा जलाया या ऑक्सीकृत किया जाता है। खाद्य पदार्थ के ऑक्सीकरण के कारण या उसके जलने के कारण से उष्मा निकलती है, और यह उष्मा भोज्य पदार्थ वाले बर्तन के बाहर उपस्थित जल के द्वारा ग्रहण कर ली जाती है, जिससे पानी का जो तापमान होता है वो बढ़ जाता है। पानी का जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो वो बढ़ा हुआ टेम्परेचर जो होता है वो थर्मामीटर के द्वारा पढ़ लिया जाता है। यह ऊष्मा बॉम्ब में रखे हुए भोजन की निश्चित मात्रा के जलने से प्राप्त हुई ऊष्मा होती है, क्योंकि आपने फिक्स वजन का फूड लिया है, फिर उसको जलाया है और टेम्परेचर को नोट डाउन कर लिया है। इस प्रकार निश्चित मात्रा के भोजन के ऑक्सीकरण की क्रिया से उत्पन्न संपूर्ण ऊष्मा या ताप को
नापा जाता है। यहाँ पर वापस से बॉम कैलोरीमीटर का एक लाइन चित्र बताया है, जिसे कि आप सभी बच्चों को सीखना है। इसमें वापस से यहाँ पे बताया है कि बॉम कैलोरीमीटर के अंदर फूड स्टफ रखा हुआ है इस प्याले नुमा के अंदर, जिसके लिए लिखा है वेट सैंपल ऑफ गिवन फ्यूल, है ना। आपने यहाँ पर लिख रखा है ये स्टेनलेस स्टील का बर्तन होता है जिसके अंदर आपने रखा है, फिर इसको फ्यूज वायर के थ्रू आप जला रहे हो। ये बैटरी लगी हुई है, इसके अंदर ऑक्सीजन का प्रवेश कराया जाता है और इस बॉम्ब को एक पानी से भरे हुए बर्तन के अंदर रख दिया जाता है। थर्मामीटर लगा हुआ है, जिसको कि अभी समझाया कि टेम्परेचर लेने के काम में आता है। और इस पानी भरे बर्तन को भी हमने एक और बर्तन के अंदर रखा है, और ये जो बर्तन होता है यह आपका इंसुलेटेड होता है, ना तो बाहर के तापमान को अंदर आने देता है ना अंदर के तापमान को बाहर निकलने देता है। यह जो है आपका बैटरी लगी हुई है जो कि आपके फूड को जलाने का कार्य करेगी। यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है कि अगर बॉम कैलोरीमीटर में हमने फिक्स्ड अमाउंट का एक फूड रखा है तो उसकी ऊर्जा कैसे ज्ञात करेंगे। यह चीज इस स्लाइड में समझाई हुई है कि हमने जैसे गेहूं लिया, उस गेहूं का वजन था 5 ग्राम। बॉम की बाहर जो बर्तन है उसमें जो जल भरा हुआ था उस जल की मात्रा थी 4000 ग्राम। यहाँ पर लिक्विड को भी हमने ग्राम में बात कर रहे हैं क्योंकि कैलकुलेशन में इजी रहे। इसलिए कैलोरीमीटर के वजन के समतुल्य जल की मात्रा, क्योंकि कैलोरीमीटर भी गर्म होगा तो उसके, क्योंकि वो भी ऊष्मा ले रहा है, तो उसके समतुल्य मतलब उस कैलोरीमीटर के बिना उस बर्तन में कितना जल आ सकता है, तो वो है 500 ग्राम। यानी कुल पानी की मात्रा हुई 4000 प्लस 500 इज इक्वल टू 4500, 4500 ग्राम। पानी का जब तापमान हमने प्रारंभिक देखा था निश्चित होने के बाद कि बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है, तो वो था 20 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद आपने ऑक्सीजन का प्रवेश कराया, प्रवेश कराने के बाद फूड को बर्न किया यानी ऑक्सीकरण की क्रिया की, जिससे कि उष्मा निकली। जो पूरा ऑक्सीकरण हो जाता है तो उसका टेम्परेचर जो राइज होता है वो हम नोट डाउन कर लिया। तो भोजन के ऑक्सीकरण के बाद का तापमान कितना था, वो था 24। तो तापमान में वृद्धि कितनी हुई, 24 माइनस 20 यानी कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पानी तथा कैलोरीमीटर द्वारा ग्रहण की गई जो ऊष्मा है वो है बच्चों आपकी 4500 मल्टीप्लाइड बाई 4। 4500 कहाँ से आया, यहाँ से आया है ना, पानी तथा कैलोरीमीटर, क्योंकि इन दोनों का मिला के वजन है, द्वारा ग्रहण की गई ऊष्मा यानी कि 4 डिग्री, है ना। तो दोनों ने ग्रहण कितनी की, 1800 कैलोरी। 1800 कैलोरी को जब हम किलो कैलोरी में कन्वर्ट करते तो वो हो जाता 18 किलो कैलोरी, क्योंकि आपको पता है 1 किलो कैलोरीज इक्वल टू होता है 1000 कैलोरीज। इसलिए 5 ग्राम यानी गेहूं से हमें कितनी ऊष्मा प्राप्त होती है, 18 किलो कैलोरी प्राप्त होती है। तो 1 ग्राम से कितनी प्राप्त होगी, 18 डिवाइडेड 55 यानी विभाजित करेंगे, भाग देंगे, तो आंसर आ जाएगा 3.6 किलो कैलोरी। यानी जो हमने वजन लिया था 5 ग्राम गेहूं का, कि इसके ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा प्राप्त आती है, तो वो हुआ 18। और अगर हमने 1 से बात की तो वो हो जाता है हमारा 3.6। ये एक एग्जाम्पल है समझाने के लिए आपको कि किस तरीके से बॉम कैलोरीमीटर के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से ऊर्जा को ज्ञात किया जाता है। इस स्लाइड में बताया हुआ है कि बॉम कैलोरीमीटर में जब आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट बर्न करोगे तो 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगी, 1 ग्राम प्रोटीन को बर्न करोगे तो 5.65 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगी, 1 ग्राम वसा को बर्न करोगे तो 9.45 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगी। यह जो ऊर्जा की मात्रा है जो मैंने आपको अभी तक बताई है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी, 1 ग्राम प्रोटीन से भी 4 किलो कैलोरी और 1 ग्राम वसा से 9 किलो कैलोरी जो प्राप्त होती है उससे अधिक है। क्यों अधिक है, इसकी बात तो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आपको बस ये याद रखना है कि बॉम कैलोरीमीटर से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वह कितनी है, और यह जो है स्टैंडर्ड होती है,
इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, है ना। यानी कि हम जब भी किसी कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को और वसा को जब बर्न करेंगे तो निश्चित अमाउंट की ऊर्जा हमें प्राप्त होगी, जबकि हमारे शरीर में जब भोजन जाता है तो वह डिफरेंट ऊर्जा की मात्रा देने का कार्य करता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि भोज्य पदार्थों में अगर पौष्टिक तत्व उपस्थित हैं और इसकी मात्रा हमें ज्ञात हो जाती है तो हम उनका ऊर्जा मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। यानी कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन मुख्य रूप से ऊर्जा उत्पादक भोज्य पदार्थ हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है और अभी बताया है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन 4 किलो कैलोरी ऊर्जा देते हैं और 1 ग्राम वसा जो होती है 9 किलो कैलोरी ऊर्जा देने का कार्य करती है। यानी यदि हमें यह पता चल जाए कि भोज्य पदार्थ में इन पौष्टिक तत्वों की कितनी मात्रा है तो हम उस भोज्य पदार्थ का ऊर्जा मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। अगर भोज्य पदार्थों में इन पौष्टिक तत्वों की मात्रा अधिक होती है तो इनका ऊर्जा मूल्य भी बढ़ जाता है, और अगर इन पौष्टिक तत्वों की मात्रा कम होगी तो उनका ऊर्जा मूल्य भी कम हो जाएगा। इसके अलावा हम भोज्य तत्वों को किस विधि से बना रहे हैं उससे भी उसका ऊर्जा मूल्य प्रभावित होता है। जैसे ही भोज्य पदार्थ को आपने भोजन में कन्वर्ट किया, फूड में कन्वर्ट किया, तो उसका ऊर्जा मूल्य भी परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि जैसे कि आप उसको तल रहे हैं तो उसका ऊर्जा मूल्य और अधिक हो जाएगा। बच्चों, एक उदाहरण देना चाहूंगी कि अगर हमें पता है कि इस आइटम में 10 ग्राम वसा है, 10 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, 10 ग्राम प्रोटीन है, तो हम उसका ऊर्जा मूल्य निकाल सकते हैं। कैसे? 10 ग्राम वसा को आपने 9 से मल्टीप्लाई जब करोगे तो 90 आएगा, 10 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को 4 से करोगे तो 40 आएगा, 10 ग्राम प्रोटीन को 4 से करोगे तो 40 आएगा। यानी 90 प्लस 40 प्लस 40 को जब आप जोड़ोगे तो आपका हो जाएगा 170 किलो कैलोरी। यानी आपका वो जो पर्टिकुलर फूड आइटम है जिसमें कि तीनों जो चीज 10 10 10 ग्राम उपस्थित है, तो वो आपको जो है 170 किलो कैलोरी ऊर्जा देने का कार्य कर रहा है। ये उन लोगों के लिए है या आपके लिए है जो कि बॉर्न कैलोरीमीटर को नहीं यूज कर पा रहे हैं और उन्हें पता है कि इसके अंदर इतना ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, वसा है और प्रोटीन है, तो वो ऑटोमेटिकली उसकी ऊर्जा मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। इसके साथ ही बॉर्न कैलोरीमीटर का जो टॉपिक है ये समाप्त होता है। थैंक यू बच्चों।